बिकॉज अभी भी नोटिफिकेशन इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है एंड uh, उसको सॉर्ट करने के लिए मैंने बोला है खैर एनी वे अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आज वैसे भी नोटिफिकेशन इशू करवाया था कि आज हम लोग की न्यूज एनालिसिस की क्लास होगी uh, जो कि uh, नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ ज्यादा न्यूज वैसे है नहीं टू बी ऑनेस्ट ठीक है तो इस वजह से आप देखोगे ज्यादा न्यूज थी नहीं और uh, uh, हमारे पास uh, ऐसा कुछ जबरदस्ती में यू नो टू जस्ट टू कवर अप न्यूज करने के लिए हम लोग जबरदस्त थे तो इस वजह से आई थॉट कि एक दो दिन में जो हमारी न्यूज कंपाइल हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग एनालिसिस देंगे तो आज हमारे पास है काफी कुछ कवर करने के लिए टेक अ शॉर्ट क्लास टुडे स्पेशली टॉकिंग गुरु तेग बहादुर साहब एंड हिज लेगेसी ऑफ प्रोटेक्टिंग द हिंदूज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसके अलावा वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट बिट अबाउट क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक डेटा आया है वी विल टॉक अबाउट दैट एंड एडिटोरियल uh, कोई खास नहीं है देन देर आर फ्यू न्यूज आइटम जो हमें क्विकली कवर अप करने हैं जस्ट डू दैट ठीक है चलिए सो लेट स्टार्ट क्विकली विदालिस सो वाइल्ड वी आर डिस्कसिंग दिस प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश के नाम संबोधन कर रहे हैं फ्रॉम दी आईकॉनिक रेड फोर्ट तो अभी वो चल रहा होगा इवेंट अभी जो सेलिब्रेशन है पूरे चल रहे थे और उसी के बीच मैंने कहा चलो ये सेशन ले लेते हैं बिकॉज फिर वो क्या पेंडिंग ताइल अप हो जाता है चीजें जो है तो, तो मैंने कहा गेट डन वि yeah <clears throat> let me know if the slides is visible to all of you

Uh, दस साल के आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी के वो सॉल्व हैं विध यू नो फोकस ऑन एनालिसिस साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके आने के एग्जाम में तो ये प्रैक्टिस बुकलेट जो है अन अकेडमी ने अभी लॉन्च किया है बीस तारीख को ऑफिशियली और वैसे ये आइकॉनिक प्रोडक्ट के थ्रू दिया जाएगा बट लेकिन पच्चीस तारीख तक बीस से लेकर पच्चीस तक अन अकेडमी जो है आ, ये इसको दे रहा है अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अन अकेडमी का इसके बारे में मैंने क्लास में भी बताया था आपको पहले तो आ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए तो विद इन द नेक्स्ट थ्री फोर डेज तो आपको ये सारी बुकलेट्स मिलेंगी एक एक बुकलेट बहुत ही अच्छी तरीके से क्यूरेट की गई है पेजेस हैं क्वालिटी ऑफ द मटीरियल वेरी गुड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द क्वेश्चन क्वालिटी इज वेरी गुड सो क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन डिटेल में दिए गए हैं एंड ये एक मस्ट है किसी भी यूपीएससी एस्पेरेंट के लिए जो प्रिलिम्स के लिए अप्रोच कर रहा है इस बार के लिए और आने वाले समय के लिए उसके बारे में डिटेल वीडियो में डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बट हम लोग आज बात करेंगे अबाउट जो गुरु तेग बहादुर जी हैं उनके प्रकाश पर्व के बारे में आज एक कमोमरेटिव पॉइंट किया गया है और सत्ताईस अप्रैल से एक नया बैच चालू हो रहा है करंट अफेयर्स का आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सो श्री अखंड पाठ जो है आज इनाग्रेट किया गया एट द गुरुद्वारा गुरु के महल द बर्थ प्लेस ऑफ द नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर एंड uh, ये चार सौ जो है बर्थ एनिवर्सरी प्रकाश पर्व बर्थ सेंटेनरी है गुरु साहब की एंड अगर हम गुरु तेग बहादुर जी की बात करें uh, तो उनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बोला जाता है ह्यूमैनिटी के रक्षक उन्हें बोला जाता है बाय द दिक्स एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर अगर आप देखेंगे uh, सिक्स में सिखिज्म में अगर आप देखें श्रेष्ट दीय चादर बोला जाता था इनको एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्सेलेंट वॉरियर पोएट भी थे एंड काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इन्होंने भगवान के बारे में अबाउट माइंड बॉडी फिजिकल अटैचमेंट उसके बारे में इन्होंने बात की एंड uh, इनकी जो राइटिंग्स हैं उसको जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब साहब हैं उसमें भी इनकॉर्पोरेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ 116 जो पोएट्रिक हिम्स हैं उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया अब ये कहाँ से इंपॉर्टेंट है वैसे भी आपको जानना जरूरी है इनके बारे में और वैसे भी आप देखोगे एग्जाम में थोड़ा सवाल सिखिज्म के ऊपर आता है अगर आप प्रिलियम्स में देखेंगे एंड ही वॉज अ वेरी एविड ट्रैवलर ऑल्सो ही यूज टू ट्रैवल अलॉट एंड अलग अलग जगह इन्होंने सिखिज़म को बढ़ावा दिया एक तरीके से अगर आप देखोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड बेसिकली इन्होंने हर जगह ट्रैवल करके ह्यूमैनिटी के, के बारे में बात की प्लेड अ की रोल इन सेटिंग अप टीचिंग सेंटर्स थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इसी के दौरान अगर आप देखेंगे कि यूरिंग वन ऑफ दो मिशन ही फाउंडेड द टाउन ऑफ चक नानकी इन पंजाब जो बाद में बन गया पंजाब का आनंदपुर साहिब तो 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने जो मुगल एंपर था उसने एग्जीक्यूट करा दिया अब इसको लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आई थिंक इट्स बैक नाउ अभी यार ऑडियो <coughs> बीच में थोड़ा हो जाता है तो कि कश्मीरी पंडित लिंक शायद आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन एक्चुअली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है क्यों प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी बोला जाता है इनको गुरु तेग बहादुर साहब को तो लगभग 500 सौ कश्मीरी पंडित का एक ग्रुप था जो इट वॉज लेड बाई कृपाराम एंड उस समय मुगल एम्पर औरंगजेब और उनके काफी सारे साथियों ने अट्रोसिटी बना रखी थी मतलब मचा रखी थी हिंदू के ऊपर काफी ज्यादा मास कन्वर्जन हो रहा था फोर्सफुल कन्वर्जन कह सकते हो आप तो वो आनंदपुर गए और उन्होंने बताया कि भाई फोर्सबल कन्वर्जन कर रहे हैं इफ्तिखार खान जो वहाँ पे औरंगजेब का एक बेन आदमी था तो उन्होंने बोला कि एक ही तरीके से इसको रोका जा सकता है एंड ही सेड दैट इफ अ नोबल सोल इज रेडी टू हिमसेल्फ फॉर द राइटियस कॉज तो इस बात पर उनके बेटे जो थे यू नो ही रिप्लाइड यू इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा तो इन्होंने बेसिकली अपने आप को सेक्रीफाइस किया uh, प्रोटेक्ट दिंदूज एंड इन्होंने अपने जो डेलीगेशन आया था कश्मीरी पंडित बोला कि जाओ और, और को बोलो कि अगर गुरु कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो बाकी सारे कश्मीरी पंडित जो है वो भी पीछे पीछे ऐसे करेंगे so his words meant that the कश्मीरी पंडित कैन फॉलो द रिलीजन विदाउट एनी थ्रेट सो इनको बट लेकिन रोपर में अरेस्ट कर लिया गया बाद में इनको डेली शिफ्ट कर दिया गया एंड ही वॉज आज टू कन्वर्ट टू इस्लाम उसके बाद उन्होंने मना कर दिया तो इनके बहुत तीन डिवोटी का नाम आपने देखा होगा आज काफी ज्यादा आया जो इवेंट चल रहा है दिल्ली में सो so भाई सतीदास भाई मतीदास और भाई दयाल उनको इनके सामने मार दिया गया एक को तो जिंदा काट दिया दूसरे को उबलते हुए पानी में डाल दिया ताकि ये डिटर कर जाए डर जाए और ये इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले बट ही स्टिल रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम एन इसीलिए उनको बिहेड कर दिया गया अगले दिन चांदनी चौक में सो so गुरुद्वारा शीशगंज साहिब शीश मतलब सर जो शीशगंज साहिब है दिल्ली में चांदनी चौक एरिया में वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे उस एग्जैक्ट जगह पे गुरुद्वारा जो जहां बना है वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब का शीश जो था उन्होंने अपनी बेसिकली अल्टीमेटली ही सैक्रीफाइस दिस लाइफ प्रोटेक्टिंग द हिंदू एंड कश्मीरी पंडित्स तो सोचो मतलब कितना स्ट्रांग लिंक है इन सब चीजों का कि कश्मीरी पंडित्स को बचाने के लिए गुरु ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दी उनके उन्होंने नहीं उनके साथियों ने भी मिल दी और इसीलिए वो अमर हो गए क्योंकि उनकी टीचिंग्स जो हैं वो आज भी ह्यूमैनिटी के बारे में बात करती हैं और आज भी अगर आप देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनका वर्णन है और उसको इनकॉर्पोरेट किया गया सो दैट वॉज द लेगेसी ऑफ गुरु तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर जी आज हम उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहे हैं चार सोवां फोर हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी है जिसको हम प्रकाश पर्व भी बोलते हैं उसको हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ठीक है आ, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक आर्टिकल आया था आज हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट एक्ट आया है 2022 का जिसमें जो तीने एमसीडी सी को और जो एनडीएमसी उसको मर्ज करने की बात की गई है तो उसके बारे में आर्टिकल आया है जिसके मैंने कुछ फाइन पॉइंट्स अलग कर दिए तो पहली बार जो ये एक्चुअली पहले भी एक सिंगल बॉडी थी बाद में इसको स्प्लिट किया गया नाइनटीन में बालकृष्णन कमेटी साहब की रिपोर्ट थी एंड दो हज़ार में वीरेंद्र प्रकाश कमेटी रिपोर्ट ने भी इसकी बात की सो so, प्रपोजल फाइनली क्या हुआ 2011 में और इसको ट्राइफकेट कर दिया गया अलग अलग एनडीएमसी एसडीएमसी ऐसे कर करके अलग अलग हो गया आपका एमसीडी एंड सेवन मेंबर डेली लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप की गई 2001 में ताकि स्टडी कर सकें इसके बारे में एंड uh, अब जो नया लॉ लाया गया इसमें मर्ज करने की बात की गई तो लॉ जो है उसमें बेसिकली क्या होगा नंबर ऑफ वार्ड्स कितने होंगे कितना एक्सटेंड रहेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट कितनी होगी इन सब चीज़ों की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेली में ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड नंबर ऑफ काउंसलर जो है उसको रिड्यूस करके दो सौ अगर आप देखोगे से ढाई सौ कर दिया गया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड्रल गो टेकन ओवर पावर फ्रॉम द स्टेट टू डिसाइड ऑन मैटर सच सैलरी अलाउंसेस जो है वर्कर्स के कमिश्नर्स के वो सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लो तो ऑब्वियसली बात है दिल्ली सरकार को ये बात हजम नहीं होगी अब उन्होंने बोला भाई दिल्ली सरकार से कंसल्टेशन नहीं की गई इसके बारे में कोई चेंज जो किया गया उसके अलावा पार्ट नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेसिकली uh, स्टेट्स को एम्पावर करता है आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग लॉज रिस्पेक्ट टू म्यूनसिपैलिटी पार्ट नाइन जो है आपका विद विद योर नाइन ए जो अर्बन लोकल बॉडीज का है एंड टू थर्टी नाइन डबल ए जो है वो दिल्ली को लेकर स्पेसिफिक है बट uh, अगर आप देखोगे टू थर्टी नाइन डबल एक जनरल लॉ है और पार्ट नाइन बड़ा स्पेसिफिक है बिकॉज आप स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई टू डिसाइड ऑन दीज मैटर्स एंड ऐसा बोलना है दिल्ली सरकार का कोर्ट केस में कि ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है सो so, इन सब चीजों को लेके ये दिल्ली में काफी टसर चल रही है स्पेशली जो एमसीडी और एनडीएमसी का इशू चल रहा है तो उसको लेके बस कुछ फाइन पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए आ, बाकी आ, अभी आप देखोगे वीट प्रोक्योरमेंट को लेके एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में आज जहां पर बात की गई कि समय वीट प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो क्यों वीट को प्रोक्योर किया जाता है क्या पर्पज इसका और

नॉन डीसी मतलब नॉन डिसेंट्रलाइज़ है अंडर दिस एफ क्या करता है डायरेक्टली या फिर थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट जाके वीट प्रोक्योर कर लेता है परचेज uh, you know, जो ये जहाँ पे सेंटर स्टैब्लिश किए गए स्टेट्स अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि नमी कितनी है लश्कर कितना है uh, किस क्वालिटी का आपका वीट है पंजाब हरियाणा में फार्मर जो है वो क्या करते हैं अपना जो क्रॉप होता है वो सेंट्रल एजेंसी को दे देते हैं या फिर जो आपके मिडिल कमिश्निंग एजेंट होते हैं उसको अरहतिया बोलते हैं अरहतिया बोल लो आप जो भी बोल लो उनके द्वारा ये बेचते हैं अब जो ये वीट प्रोक्योर होता है बाय द स्टेट एजेंसी इसको हैंडओवर किया जाता है टू द फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर पीडीएस के लिए यूज होएगा क्योंकि एफसीआई जो है वो सेंट्रल नोडल एजेंसी है अब डीसीपी मेथड में क्या होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में इसको नाइनटीन में लाया गया था प्रोक्योर प्रमोट करने के लिए लोकल प्रोक्योरमेंट एंड उस समय क्या था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड टाइम को बचाने के लिए इसको यूज किया गया सो स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसकी एजेंसी क्या करती है स्टोर करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है वीट जो भी आपका सेंटर का एलोकेशन होता है फॉर टारगेटेड पीसी पीडीएस एंड अदर वीकर सेक्शन उसको अपने पास ही रखती हैं जो भी पूरा पीडीएस के अंदर प्रोक्योर किया जाता है और जो भी एक्सेस स्टॉक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है एंड ये ये क्या करते हैं ये एफ को दे देते हैं सेंट्रल पूल के लिए अब इसमें जो एक्सपेंडिचर मिलता लगता है स्टेट गवर्नमेंट का वो क्या करते हैं वो आपका रियम्बर्स करा लेते हैं सेंटर से तो सिस्टम में क्या होता है स्टेट प्रोक्योर करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर जब स्टेट की नीड्स फुलफिल हो जाती है जो भी एक्सेस बचता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एफ के थ्रू दे देते हैं अब इसमें जो खर्चा हुआ स्टेट गवर्नमेंट का वो रिमबर्स करवा लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट इसको बोला जाता है डीसीपी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ या मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द स्टेट नॉन डीसीपी में वैसे ही होता है स्टेट अपना अलग करता है यूनियन अपना अलग करता है स्टेट में क्या होता है अरतिया मिडिल मैन को ये बेचते हैं उसके अलावा जो है जो वीट प्रोक्योर होता है बाय द स्टेट एजेंसी वो क्या करते हैं एफसीआई को दे देते हैं ट्रांसपोर्टेशन और कंजन के लिए एंड नॉन डीसीबी मेथड में क्या होता है एफसीआई जो होता है नोडल एजेंसी जो है वो जो भी कॉस्ट होता है व्यूट प्रोक्योरमेंट का वो स्टेट एजेंसी को पे कर देती है सो so, दो तरीके से यहाँ पे स्टेट में इसका प्रोक्योरमेंट होता है सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये डीसीपी नॉन डीसीपी मेथड क्या होता है तो इसको याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में इसको पूछा जा सकता है बाकी सिक्स जो इंडिया की फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास संबरी ने आई एन एस वक्शीर इसको लॉन्च किया गया माजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई से एंड सिक्सरी बिल किए गए ट्रांसफर नेवल ग्रुप लगभग साढ़े तीन बिलियन डॉलर थ्री पॉइंट सेवन फाइव बिलियन डॉलर की डील थी जिसको अक्टूबर दो हजार पांच में साइन किया गया था इसमें अगर आप देखोगे आई एन एस कलवरी जो थी वो दिसंबर दो हजार सत्रह में सेप्टेम्बर में खंदेरी बागीर इन दो हजार बीस करंज इन मार्च दो हजार इक्कीस वेला इन दो हजार इक्कीस नवंबर जो जिसका नाम एक फिश की प्रजाति पर रखा गया सैन फिश ए डीप सी प्रेडिटर इंडियन ओशन उसके नाम पर रखा गया जल्दी आप देखोगे सबमरीन का नाम ना ऐसे किसी फिश के नाम पर रहता है या फिर किसी फोर्ट के नाम पर रहता है तो पहली सबमरीन वक्शीर जो है फ्रॉम रशिया कमीशन इन द इंडियन नेवी इन नेवीटीन तो उसका नाम क्या है उसको फिर कर दिया गया 1997 में तो एक्चुअली वक्शीर नाम की पहले भी सबमरीन थी बट वो डी कमीशन हो गया फिर से ही नई बनाई गई है अंडर दी दिन क्लास ऑफ सबमरीन एंड द न्यू न्यूर विल बी ऑफिशियली नेम्ड टाइम ऑफ इट्स कमीशनिंग सो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कलवरी खंदेरी वागीर करंजवेला और बक्शीर ये जो छह की छह समरीन है उसका नाम आपको बताना चाहिए बाकी एक डेटा पॉइंट में आया है अबाउट क्लाइमेट इमरजेंसी कि कैसे यू uh, नो you know, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमारे कितने सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो एक डेटा पॉइंट में हिंदू में डेटा है सिंस मिड ट्वेंटी सेंचुरी ग्लोबल टेम्परेचर एक्टिविटी तो अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका लेवल ये बता रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव प्रोफाउंडली इंक्रीज द लेवल ऑफ सी टू और ये जो डेटा बता रहा है कि आप देखो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है कम तो नहीं भी हो रहा कहीं से ग्लोबल टेम्परेचर बीच में थोड़ा कम होना चालू हुआ था लेकिन फिर से कंसिस्टेंटली बढ़ा है अर्थ का जो सर्फेस कंटिन्यू है कंटिन्यूसली uh, वार्म हो रहा है रिसेंट ग्लोबल टेम्परेचर बींग द हॉटेस्ट इन पास टू थाउजेंड ईयर्स तो वी आर डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स अ कैटेस्ट्रॉफी एंड ये 90% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ओशन में आकर कर रही है एज पर दिस रिपोर्ट विच हेज बिन रिलीज बाई नास क्लाइमेट रिसोर्स सेंटर जहां तक सी आईस की बात करें आर्टिक सी आइस जो है वो 1979 से कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुए 13% परसेंट पर डेकेट के हिसाब से कम हो रही है सिमिलरली आईस शीट जो है 152 बिलियन मेट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से कम हो रहा है सिंस दो हजार टू और जहां तक हम सी लेवल राइज की बात करें सो ग्लोबल सी लेवल आर राइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग

उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने जीप के बारे में बताया था जीप स्ट्रेटेजी तो अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फिलिम्स को क्लियर करने के नॉट जस्ट दिस ईयर पहले से भी जो लोग फॉलो कर रहे हैं और अगले साल वालों के लिए भी तो इसके स्पेशल क्लास का लिंक मैं इसमें मैंने सिक्स स्पेशल क्लासेस प्लान की हुई है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा टाइमिंग दस बजे ही रहेगी उसकी आज नहीं हो भाई बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज लाइव जा रहा था मैं एक्चुअली आई कुड सी द पेज बट समाउ इट वॉज नॉट गोइंग लाइव तो कल सुबह मिलेंगे हम लोग न्यूज एनालिसिस के लिए बाकी स्पेशल क्लास के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वी विल बी प्लानिंग दिस मतलब ऑलरेडी ये शेड्यूल्ड है मैं लिंक नीचे डाल दूंगा तो आप लोग उसको एक्सेस कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम और 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 वीडियो को uh, मैं ऐसे और भी और भी टॉपिक्स बनाता रहूंगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच सत्ताईस अप्रैल से एक नया बैच चालू हो रहा है और बाकी मैं uh, मैंने जैसा आपको बताया अन अकेडमी की प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स uh, जो है uh, बुकलेट्स हैं वो अवेलेबल हैं अब एंड अगर आप इस हफ्ते सब्सक्रिप्शन लेते हो और रिन्यूअल कराते हो तो आपको एब्सोल्युटली फ्री डिफी तो